श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो में सन्निधत्ताम सदा हृदि। श्री स्तुति में आज सातवां श्लोक बोलना है। श्लोक इस प्रकार है, पश्यन्तीषु श्रुतिषु परितः सूर्यवृंदेन सार्धं मध्ये कृत्य त्रिगुणफलकं निर्मितस्थानभेदं विश्वाधीश प्रणयिनी सदा विभ्रमद्यूतवृत्तौ ब्रह्मेशाद्या दधति युवयो रक्षसार प्रचारम। पिछले श्लोक में जगत कारणभूत जो तत्व है, वही तत्व हमारी प्रपत्ति को स्वीकार करने वाली युगल देवता बनकर, अर्थात लक्ष्मी नारायणाख्य तत्व बनकर, शेषित्व का अनुभव करते हुए, अपना आत्मा का शेषत्व को स्वीकार करते हुए, आत्मनिवेदन को स्वीकार करने वाली जो देवता है, वो श्रुतियों में भी वर्णित की जाती है। जो जिसे देखकर, जिसे स्मरण करने से हमें आनंद प्राप्ति होती है, ऐसा अनुभव पिछले श्लोक में व्यक्त किया गया था। इस श्लोक में दोनों मिलकर जगत सृष्टि रूपी जो व्यापार है उसे करते हैं, ऐसा कहने के लिए इस श्लोक प्रवृत्त है। जब श्रुतियाँ देखते रहते हैं वेद पूरा साक्षी बनकर रहते हैं। वेद नित्य है, अनादि है, भगवान से भी प्रणीत नहीं है। ऐसा जो वेद है वो देखते हैं, वो साक्षी बनकर रहते वक्त, और नित्य सूर्य वर्ग भी साक्षी बनकर देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में बीच में त्रिगुण फलकम यानी प्रकृति रूपी एक खेलने के लिए साधनभूत फलक को बीच में रखकर, उसमें सत्व रजस तमस करके तीन तत्व हैं, ये एक खेलने का एक साधन है, इसमें सृष्टि करते हैं। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से पंचतन्मात्र तत्व, पंचतन्मात्र से भूत तत्व, पंचभूत तत्व इत्यादियों की सृष्टि करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो करते हैं। वो करते वक्त और कौन देखते हैं कि ब्रह्म ईश इत्यादियों की सृष्टि पहले हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों, क्योंकि अक्ष अर्थात खेलने वाले अर्थात अक्षैर दीव्यति कहते हैं, अक्ष करके एक साधन है जिसे डालकर उसमें जो संख्या मिलती है उस संख्या के अनुरूप उसमें आगे आगे बीजों को बढ़ाकर ये खेल खेला जाता है ना, उसको अक्ष शब्द से बोलते हैं, जिसे द्यूत भी कहते हैं, जिसे जिसमें ही पंच पांडव और युधिष्ठिर हार पाए थे दुर्योधन के सामने, वो खेल है ना, उस प्रकार का एक खेल है। उस खेल में, क्योंकि लोकवत्तु लीला कैवल्यम सूत्र में व्यास जी जिस प्रकार ये जो जगत सृष्टि है वो केवल भगवान की लीला है ऐसा कहे हैं, उस लीला को, जगत सृष्टि रूपी लीला को ये लक्ष्मी और नारायण दोनों खेलते हैं। जब भी लक्ष्मी तत्व की प्रेरणा से ही ये सृष्टि की जाती है, लक्ष्मी तत्व की जो आँख की चलाने की प्रक्रिया है, आँख दिखाने की प्रक्रिया है,
उसे समझकर भगवान क्या सृष्टि करना है, कैसे सृष्टि करना है, ये करते हैं। और वेद में भी वही प्रक्रिया बताई गई है, इसलिए लक्ष्मी जी भी देख रही है, वेद के अनुरूप से ये सृष्टि करते हैं। और इतना ही नहीं, वेद स्वयं साक्षी बनकर देख रहा है और नित्य सूर्य वर्ग देख रहे हैं। नित्य सूर्य यानि जिनके लिए कभी भी सांसारिक संबंध नहीं है, भगवान के साथ सदा के लिए कैंकर्य करते हैं, वैसे आदिशेष हैं, विश्वक्सेन हैं, गरुड़ हैं, विश्वक्स इत्यादि सब परिवार नित्य कहा जाता है, वो सब भी देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये खेल को खेल रहे हैं, जिसमें जीव तत्व को अपने अपने कर्मानुसार आगे बढ़ाने का काम, नीचे गिराने का काम सब कुछ चलता है। इसमें ब्रह्मा और शिव इत्यादि लोग जो पहले से सृष्ट हैं, वो सब अक्षसार प्रचारम वो करते हैं, उस काइन को डालने का काम वो करते हैं, अर्थात काइन को कहाँ कहाँ रखना है ये काम वो दोनों देखते हैं। ऐसा उन दोनों का भी कुछ काम है इस लीला में, इसलिए इस श्लोक में कहते हैं, श्रुतिषु परितः पश्यन्तिषु सब वेद सांगोपांग वेद चारों बाजू खड़े होकर देख रहे हैं। श्रुतिषु परितः पश्यन्तिषु सूर्यवृंदेन सार्धं पश्यन्तिषु नित्य सूर्य वृद्धों के साथ, नित्य सूर्य वर्गों के साथ जब देख रहे हैं, मध्ये कृत्य त्रिगुण फलकम त्रिगुण रूपी फलक को, त्रिगुण रूपी एक बोर्ड को बीच में रखकर, निर्मित स्थान भेदम उसके लिए अलग अलग स्थान की क्रिएट करके, ये चेतनों का स्थान है, ये मुक्तों का स्थान है, एक चेतन किस प्रकार मुक्त बनता है उसमें बीच में सर्प आता है, लेडर सीढ़ी आती है, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के चीज़ें हैं। उसमें एक व्यक्ति का मोक्ष प्राप्ति किस प्रकार होती है, उसमें पतन क्यों होता है, इत्यादि विषयों को अंतरित करके, अंतर्गत करा के ये खेल प्रवृत्त हुआ है। मध्ये कृत्य त्रिगुण फलकम निर्मित स्थान भेदम, स्थान भेद चेतन का स्थान है, प्रकृति का स्थान है, अचेतनों का स्थान है, ऐसा अलग अलग स्थान भेद करके, विश्वाधीश प्रणयिनी सदा विभ्रम द्यूत वृत्तौ, ये द्यूत क्रीड़ा में लक्ष्मी जी सदा के लिए अपने आंख के इशारा करने का काम करते वक्त, ब्रह्मा ईश इत्यादि, ब्रह्मा शिव इत्यादि लोग कहाँ कहाँ कायन रखना है ये काम को करते हैं। इस प्रकार एक बहुत बड़ी लीला क्रीड़ा प्रवृत्त होती है, वही इस जगत सृष्टि है और स्थिति है, प्रलय है, ये सब ये त्रिगुण फलक को रखकर सत्व रजस तमोमय प्रकृति में, सत्व रजस तमस तीनों समान रूप से है तो प्रलय है, उसमें एक भी कुछ अधिक होता है तो उस वक्त सृष्टि प्रवृत्त होती है। उसमें एक व्यक्ति कभी सात्विक बनता है, कभी राजसी बनता है, कभी तामसी बनता है, अपने अपने कर्मानुरूप से वो मोक्ष पाता है, नहीं पाता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है, अलग अलग दुनिया में जाता है, विवेकी बनकर रहता है, लोभी बनकर रहता है, ये सब के लिए अपना अपना अलग अलग स्थान और कर्म इत्यादि के आधार पर जो होती है उसे दिखाने के लिए ये बड़ी क्रीड़ा प्रवृत्त होती है, जिसमें लक्ष्मी जी का व्यापार अलग है, इशारा करने का काम है, और ब्रह्मा शिव इत्यादियों का काम है आगे आगे काइन को बढ़ाने का काम है, अर्थात प्रमाणानुरूप
अक्ष में जितनी संख्या आती है उसके अनुरूप, उसी प्रकार वेद का और नित्य सूर्यों का काम है सही करते हैं या नहीं भगवान सृष्टि आदि को, ये देखने का काम उनका है। इस प्रकार भगवान भी कुछ नियमबद्ध होकर काम कर रहे हैं इस क्रीड़ा में, ऐसा मतलब इस श्लोक में कहा गया है। भाव के साथ फिर से एक बार श्लोक को पढ़ेंगे। पश्यन्ति श्रुतिषु परितः सूरिबृन्देन सार्धं मध्ये कृत्य त्रिगुणफलकं निर्मितस्थानभेदं विश्वाधीशप्रणयिनि सदा विभ्रमद्यूतवृत्तौ ब्रह्मेशाद्यादधति युवयो रक्षसारप्रचारम्। कवितार्किक सिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।